सबक नंबर 3 सर्कल के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दायरा, सबक दायरा। तो अजीज तलबा, हम सब जानते हैं कि हमने नबी जमात में दायरे के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े, बहुत आम बिल्कुल ये मसला हमने पढ़े थे, इसके ऊपर सवाल भी किए थे, और इससे इस तरह के मुख्तलिफ हमने जो है तो मसले उसमें हल किए थे। एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि दायरा होता क्या है। अगर आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा, आप याद कर सक रहे होंगे, दायरा क्या है। दायरा मतलब किसी मुतय्यन नुक्ते से, कोई भी एक मुतय्यन नुक्ता है, एक फिक्स पॉइंट है, किसी मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाके नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। किसी मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाके नुकात के सेट को दायरा कहते हैं, है ना। अगर हमने अब हम ये देखेंगे कि किसी मुतय्यन नुक्ते पर हम कितने दायरे खींच सकते हैं। तो अजीज तलबा, अगर हम ये देखते हैं कि ये जो है, अगर हम इस मुतय्यन नुक्ते पर एक निस्कुत लेकर एक दायरा खींच सकते हैं, तो हम अलग अलग मेज़र की निस्कुत लेकर अलग अलग दायरे खींच सकते हैं। मतलब ये कि किसी एक नुक्ते से, एक नुक्ते को मरकज़ मानकर हम कई दायरे खींच सकते हैं। एक दायरा भी हो सकता है, दो दायरे भी हो सकते हैं, 10 दायरे भी हो सकते हैं, कितने भी दायरे, इनफाइनाइट दायरे हम खींच सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, किसी दो दायरे जो एक दूसरे के मुतमासिल हो, उनके अंदर क्या मसावियत होती है। दो दायरे जब एक दूसरे के मसावी होते हैं, हम उसको मुतमासिल कहते हैं, तो उनके अंदर खासियत क्या होती है। तो खासियत क्या होती है उनके अंदर, उनकी निस्कुत्र मसावी होती है। मतलब अगर मसावी निस्कुत्र वाले अगर हम दो दायरे ले, तो हम ये देखते हैं कि जो दायरे तैयार होंगे वो मुतमासिल होंगे, इसे कहते हैं मुतमासिल दायरे। लेकिन अगर एक ही नुक्ते से अगर हम कई दायरे ड्रॉ करेंगे, तो हम इनको कहते हैं कि हम मरकज दायरे। इनको क्या कहते हैं, हम मरकज दायरे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक ही नुक्ते पर कई दायरे हम खींच सकते हैं, जिसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि अगर दो दायरे एक दूसरे को काटते हुए नजर आएंगे, जब दो दायरे एक दूसरे को काटते हुए नजर आएंगे, तो हम ये दो दायरे को मुनकता करने वाले, एक दूसरे को मुनकता करने वाले सर्कल कहते हैं, कता करने वाले सर्कल। दोनों दायरे जब एक दूसरे को कता करेंगे, तो वो दो मुख्तलिफ नुकात पर एक दूसरे को कता करेंगे, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल या मुनकता सर्कल। देखें कि नहुम जमात में हमने पढ़े कि वित्र किसी भी दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्र वित्र की तंसीफ करता है। फिर हमने ये भी पढ़े थे दूसरा मसला कि दायरे के मरकज से वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाली कता वित्र पर उमद होती है। हाँ, हमने ये भी देखे थे पिछले साल कि मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज से मसावी फासले पर होते। तो ये तीनों मसले एक्टिविटी के तौर पर आपको दहम जमात में पेज नंबर 47 पर दिए गए। तो हम ये देखते हैं कि उसमें हमको करना क्या है। एक्टिविटी मतलब हमको ये घर में करके देखना है, क्या करना है हमको। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी एक दायरा बनाइए, दायरा बनाने के बाद उस पर एक वित्र खींचिए। वित्र मतलब क्या, वित्र मतलब दायरे के पर वाके कोई दो नुकात को मिलाने वाली खत। वित्र बनाइए, वित्र खींचिए, वित्र पर एक उमूद खींचिए और उसको टेस्ट कीजिए कि क्या वो बराबर वस्ती नुक्ते से गुजर रही है, उसको मेजर करके देखिए। दूसरा, आप कोई वित्र लीजिए, कोई एक फ्रेश फिर से एक दायरा खींचिए, वित्र लीजिए, वित्र का एक वस्ती नुक्ता लीजिए और वस्ती नुक्ते को आप खींच जोड़ दीजिए मरकज से। मरकज से जोड़ने के बाद आप ये देखेंगे कि मरकज से जोड़ी हुई कता और वित्र एक दूसरे पर उमूद है। तो ये दोनों आपको एक्टिविटी घर पर करके देखना है। तीसरी एक्टिविटी जो आपको करना है वो ये है कि दायरे के
एक ही दायरे में मुतमासिल वितर खींचना है। मुतमासिल वितर मतलब जिनकी लंबाइयां मसावी हो, 5 सेंटीमीटर की एक वितर खींचे, दूसरी वितर भी 5 सेंटीमीटर की खींचिए, या 6 सेंटीमीटर की एक वितर खींचे, दूसरी वितर भी 6 सेंटीमीटर की खींचना है। लेकिन अब यहाँ पर आपका टेस्ट ये है कि वो मरकज से मसावी फासले पर वाकई है या नहीं, इसको देखने के लिए आप पेज नंबर 48 को ज़रूर रेफर करें। दायरा इस सबक में हमको 10वीं जमात में ये देखना है कि कोई 3 गैर हमखती नुकात लेना, कोई 3 गैर हमखती नुकात जो एक खत में वाके नहीं। जाहिर सी बात है 3 गैर हमखती नुकात से कौन सी शक्ल बनती है? मुसल्लस की, है ना। तो ये एक्टिविटी हमने 9वीं जमात में कर चुके हैं और हमने क्या बनाए थे? मुहित दायरा मुहित, है ना, सरकम सर्कल। दायरा मुहित में हम क्या करते थे पहले कि हम एक मुसल्लस लेते थे और मुसल्लस के तीनों राज से गुजरने वाला एक दायरा हम खींचते थे, है ना। तो यहां पर यही चीज हमको साबित करनी है, क्या करना है कि कोई भी 3 गैर हमखती नुकात से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। कोई भी 3 गैर हमखती नुकात से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है।